सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जवाब के तौर पर मुस्लिम पक्ष को, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। अब देखिए, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है इस पूरे संदर्भ को देखते हुए, पूरे जो चल रहा है ज्ञान व्यापी को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर। निश्चित तौर पर कि भारत एक ऐसा देश है जहां तमाम संप्रदाय, तमाम समाज के लोग, तमाम धर्म के लोग रहते हैं और एक ही धर्म में अलग अलग धर्मों का प्रतीक मिलना कोई नई बात नहीं है, कोई भारत के लिए अस्वाभाविक नहीं है, अनदेखी बात नहीं है। और किसी भी चीज को अगर किसी धर्म के प्रतिबिंब, प्रतिमूर्ति या कुछ इस तरह की से स्वरूप मिलता है तो उसका जानने का अधिकार गलत नहीं है, वो कानून के दायरे में है। ये टिप्पणी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये की गई है। लेकिन ये वही दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष लगातार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते इस बात रहा है कि जो स्वरूप है उसे बदलने की कोशिश की जा रही है। इसी को जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया कि जो जगह है, जो प्रतिबंधित जगह है जहां पर इसी तरह के स्वरूप मिलते हैं उसका जानने का अधिकार होता है और यह कानून के तरफ दायरे से गलत नहीं है, इसे जानने का अधिकार है। दूसरी तरफ मेहता भी यहां पर यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए हैं। अब तमाम जज आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि इसे आगे कैसे ले जाया जाए, क्योंकि गर्मी छुट्टी होने वाली है, 24 तारीख से कोर्ट वेकेशन पर चला जाएगा। इसी को लेकर तुषार मेहता ने कहा है कि और इस वक्त की बड़ी खबर है राजू के जिला जज इस मामले पर सुनवाई करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, ये जानकारी आ रही है राजू।